Good morning to one and all, class 12th. Welcome to your TSN English class. So today we'll start the new video of our chapter from here. This one is your page number 84. So students, we have read that किस तरह गवर्नर जो है वो कन्फर्म करते हैं स्टीफन और जैक्सन से कि हु बेड गुड बाय टू इवेंस एट लास्ट एंड हु वॉज दैट पर्सन. तो स्टीफन्स उन्हें मेंशन करते हैं कि भाई मैं वो था जो इवेंस को बाहर तक छोड़ कर आया. तो वो पूछते हैं कि तुम जब इवेंस को बाहर तक छोड़ कर आए तो टेल मी कि तुमने देखा नहीं तो वो तुम किसके ऑर्डर्स से बाहर गए थे उसे छोड़ने. तो वो क्या एक्सप्लेन करता है कि सर आपने ही तो मुझे फ़ोन कॉल करके ऑर्डर दिया था कि मैं स्टीफन्स को क्या बोलूँ उनको इवेंट्स को बाहर तक छोड़ के आऊँ और किस तरह आपने मुझे बार बार फ़ोन करके और इंस्ट्रक्शन दिए थे. अब गवर्नर भी थोड़ा सा जो है मिस्टर गवर्नर वो भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं और वो बोलते हैं कि एक बार फिर जो इवेंट्स है वो एग्जामिनेशन बोर्ड से हमें अनसक्सेसफुल करके और वो यहाँ से क्या है बाहर चला गया है. नाउ मूव ऑन टू योर पैराग्राफ. सो ही शुक हिज हेड इन ग्रोइंग डेस्पेयर एंड टर्नड ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर. एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव बिन यू प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन? या वेल आई टेल यू समथिंग जैक्सन, यू स्कल्स empty, your skull's empty, absolutely empty. It was Jackson who had spent 2 hours in Evans' cell, the reported cell, the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all, and yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he'd given McClary such a terrible blow across the head. Array. और इस तरह अब क्या हुआ है, जो गवर्नर है वो स्टीफन और जैक्सन से कन्फ्रंट करते हैं बात करते वक्त. सो लेट्स read that. So due to growing disappointment, he shook his head and addressed the senior prison officer. क्योंकि अब वो थोड़े से परेशान हैं गवर्नर, इसलिए वो अपना सर हिलाते हुए address करते हैं किसको, prison officer. And who is the prison officer, students? Mr. Jackson. So you Jackson, you have been pretending that you are master of a great brain for long time. तुम इस तरह pretend करते हो that तुम्हारे पास बहुत अच्छा brain है, you are one the who is cunning one, और तुम इस तरह किस तरह तुम जो है वो prisoners को handle कर लेते हो easily. For that, and इस तरह वो Jackson को कहते हैं कि and you Jackson, you have been pretending that you are a master of a great brain for a long time, yeah. And I'm telling you, Jackson, you are brainless, absolutely brainless. वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम brainless हो, absolutely brainless हो. Jackson himself had inspected Evans' cell for 2 hours the previous evening. जैक्सन तुमने खुद ने इवन का जो सेल है उसको एग्जामिन किया था, देखा था, और तुमने ये देखा था कि प्रीवियस इवनिंग में किस तरह इवेंट्स के सेल जो है वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उसकी इसमें मदद करें. इट वॉज ही हिमसेल्फ हु टोल्ड विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट ही कुड फाइंड नथिंग दैट कुड पॉसिबली यूज. तो वो कहते हैं कि तुम ही वो थे जिसने ये कन्फर्म किया था कि इवेंट्स के सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि इवेंट्स जो है वो क्या कर रहा है, इवेंट्स जो है वो क्या कर रहा है कि जो है कहीं ना कहीं से यहाँ एस्केप करने की कोशिश करे, या उसके पास कोई ऐसा मटेरियल हो जो वो यूज़ कर सके इस तरीके की चीज़ों में. एंड नाउ इट हैड कम आउट दैट इवेंट्स वॉज सक्सेसफुल इन कंसीलिंग नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, कि इवेंट्स जो है उसने कहीं से एक फॉल्स बियर्ड, एक पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स एंड अ डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लैरिकल आइटम, बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन. तो इस तरह उसने किसी सॉर्ट ऑफ वेपन, कुछ क्लैरिकल आइटम, वो सब कुछ मैनेज कर लिया, विच वॉज यूज बाय हिम टू गिव McClary अ शार्प ब्लो अक्रॉस हिज हेड, और जिसकी मदद से उसने McClary के सर पर इतना गहरा चोट जो है वो लगा दी है. सो किस तरह उसने मैनेज करा जबकि तुमने, तो अब वो है अक्यूज़ कर रहे हैं आप कह सकते हैं एक तरीके से, या उनसे सवाल पूछ रहे हैं अपने ऑफिसर से कि भाई जब तुमने इतने अच्छे से चेक किया है, सब कुछ किया है,
तो उसके बाद भी इवेंस जो है वो यहाँ से कैसे भाग गए। अ प्रिजन वैन बैग्ड अलोंग साइड बट गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। ही लुक्ड डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ जर्मन टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू ग्रेबन। न्यू ग्रेबन वेयर ऑन अर्थ न्यू Something new grave, new heard of it. There was a war grave somewhere near Reading, but no, it was probably a code word. And then it hit him. Newbury, good, yes, Newbury was a pretty big sort of place. But अब क्या हुआ है students? Let's read from here. अब इतना सब कुछ होने के बाद जब गवर्नर इस तरह सवाल पूछते हैं, सो अब क्या हुआ है? अ प्रिजन वैन हॉल्टेड बट द गवर्नर डिड नॉट मूव एट वंस। जो प्रिजन वॉल वैन है वो हॉल्ट करने लगती है। वैन बैक अलोंग साइड बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। लेकिन गवर्नर जो है डिड नॉट मूव एट वंस। ही रीड द लास्ट लाइन ऑफ जर्मन टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर ओन वे टू न्यू ग्रेबन। अब वो बोल रहे हैं कि अब अपना वे न्यू ग्रेबन तक खुद बनाओ। वेयर इज इट इज न्यू समथिंग न्यू ग्रेव। तो वो कह रहे हैं वो न्यू ग्रेव कुछ था। हैवंट हर्ड अबाउट इट। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इस तरह का कभी नाम नहीं सुना। देयर वाज नो वॉर ग्रेव समथिंग नियर रीडिंग बट नो इट प्रोबेबली सीम द सेकेंड टाइप ऑफ कोड वर्ड। तो वो कह रहा है कि ये न्यू ग्रेव इस तरीके का मैंने नाम किसी जगह का कभी सुना नहीं है और प्रोबेबली मुझे लगता है शायद ये एक कोड वर्ड है। एंड देन इट स्ट्राइक्ड इन हिज माइंड न्यूबरी। और फिर उसके माइंड में स्ट्राइक होता है न्यूबरी। गॉड यस न्यूबरी वॉज अ क्वाइट बिग प्लेस नाउ। तो वो कह रहा है यस अब वो जगह है न्यूबरी और ये न्यूबरी नामक जगह जो है ये तो बहुत बड़ी जगह है। सो इट वॉज अ क्वाइट बिग प्लेस नाउ। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। लेट्स सी व्हाट वॉज गोइंग ऑन देयर। Now, he rapped out of his orders. Just a minute, students. Yes, it's okay, fine. Now, so वो कह रहे he rapped out of his orders to the driver, Saint Aldate's police station and step on it. Take Jackson and Stevens here. When you get there, ask for Bell, Chief Inspector Bell. Got that? So, अब वो क्या कह रहे हैं? He told his orders to the driver. Go right to the Saint Aldate's police station. अब वो driver को order करे कि आप जो है कहाँ चलें? Saint Aldate's police station चलें. And take Jackson and Stephens here. When you get there, ask for Bell. Or take Jackson and Stephens with you. Jackson and Stephens को आप अपने साथ ले रहे हैं. After reaching there, ask for Bell. और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें Bell के लिए बोलें. Chief Inspector Bell. Understood Bell. तो वो कह रहे हैं Chief Inspector Bell. Got that. Now he leaped the stairs to his office. Three at a time. Got Bell on the phone immediately and put the facts before him. Now he reached his office leaping three steps at a time and rang bell and told him about the whole matter. Ab wo office ke wahan pahunchte hain three steps at a time rang bell aur teen steps at a time mein lete hain aur uske baad ghanti bajti hai told him about the whole matter aur usse unhe pura matter samajh mein aata hai. So the phone immediately and put the facts before him और उस वक्त उसे मैटर समझ में आता। पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम मतलब ही अंडरस्टूड द मैटर एंड विल गेट हिम सर सेड बेल वेल गेट हिम विथ अ बिट ऑफ लक। अब वो क्या बोल रहे ही सून विल बी कॉट सर सेड बेल इफ वी आर लकी इनफ टू गेट हिम। वो जल्दी पकड़ा जाएगा अगर हम पकड़ लेते हैं उसे तो वी आर लकी इनफ। Now move on to next. The governor sat back and lit a cigarette. Ye gods, what a beautifully laid plan it had all been. What a clever fellow Evans was. Careless, leaving that question paper behind. But then they all made their mistake somewhere along the line. Well, almost all of them, and that's why very, very shortly, Mr. Clever, Evans would be back inside doing his once more. Ab wo kya keh rahe hain?
दैट गवर्नर कह रहे हैं सिटिंग ऑन ए सीट एंड द गवर्नर लिट अ सिगरेट. अब गवर्नर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और सिगरेट को जलाते हैं और बोलते हैं ओ गॉड हाउ ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड द प्लान वॉज. इवन ने कितना ब्यूटिफुली इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है. एंड इवेंस वॉज एक्चुअली अ क्लेवर फेलो. और इवेंस कितना कनिंग और कितना चालाक प्रिजनर है. ही लेफ्ट द पेपर केयरलेसली बिहाइंड. उसने कितनी केयरलेसली पेपर को पीछे छोड़ दिया या रख दिया. बट एवरीबडी मेड हिज मिस्टेक एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन सभी लोग कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे. वेल इंक्लूडिंग हिम टू. इस तरह इवेंट्स ने भी करी. एंड दैट वॉज द रीजन वाई ही वॉज थिंकिंग दैट इवेंट्स वॉज गोइंग टू बी बैक ट्राइंग थर्ड टाइम टू एस्केप द प्रिजन. और यही रीजन था कि इवेंस वॉज गोइंग टू बी बैक ट्राइंग थर्ड टाइम टू एस्केप द प्रिजन. किस तरह प्रिवेंस जो है इवेंस जो है उसने थर्ड टाइम प्रिजन को से भागने की कोशिश करी थी. नाउ मूव ऑन टू योर पैराग्राफ हियर स्टूडेंट्स. सो द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्राइडेंट बर्स्ट एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैक्लरी हैड स्पॉटेड इवेंस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे. दे डू गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट एंड हैड गिवन चेज इमीडिएटली बट हैड लॉस्ट हिम एट हेडिंगटन राउंड अबाउट. ही मस्ट हैव डाउट डबल्ड बैक इन टू द सिटी. अब वो क्या बोल रहे हैं. हिज फोन ऑन द डेस्क गेव अ लाउड साउंड व्हेन सुपरिटेंडेंट कार्टर टोल्ड हिम दैट मैक्लरी हैड सीन इवेंस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे. अब वो बोलते हैं हिज फोन ऑन द डेस्क गेव अ लाउड साउंड. उनके डेस्क पे जो फोन है उस पर एक बड़ा लाउड साउंड आता है. व्हेन सुपरिटेंडेंट कार्टर टोल्ड हिम. और इस तरह सुपरिटेंडेंट कार्टर उन्हें बोलते हैं कि मैक्लरी हैड सीन इवेंस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे. तो मैक्लरी कह रहे हैं कि इवेंस जो है वो कहाँ गए हैं एल्सफील्ड वे के रास्ते की तरफ. एंड दे हैड गॉट द नंबर ऑफ कार एंड इमीडिएटली फॉलोड इट. उन्होंने कहा है कि उनके पास नंबर ऑफ कार है और हमें उसको जल्द से जल्द फॉलो करना पड़ेगा. बट एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट लॉस्ट इट. लेकिन हेडिंगटन पे जाकर वो रास्ते में वो खो देते हैं. एंड देयर वर चांसेस दैट ही वुड री एंटर द सिटी. और इस तरह चांस हो सकता है कि उसने री एंटर कर लिया हो सिटी में. Now move on to next. No, said the governor quietly. No, he is on his way to Newbury. He explained his reason for believing so and left it that it was police job now. Now his. He was just another good for a giggle. Gullible governor. That was all. Ab kya hua? नो द गवर्नर सेट क्वाइटली. अब नो मना गवर्नर मना कर देता है कि भाई एल्सफील्ड वे की तरफ नहीं. नो ही मस्ट बी हेडिंग्स टू न्यूबरी. गवर्नर कह रहा है हो सकता है वो न्यूबरी की तरफ गया हो. इवेंस ही टोल्ड देम वाई ही वॉज बिलीविंग सो. वो ऐसा सब कुछ उन्होंने क्यों कहता है क्योंकि ऐसा गवर्नर का बिलीव है. एंड डिड नॉट बॉदर एनी मोर. और इसके बारे में फिर चिंता मत करो. इट वॉज द वर्क ऑफ पुलिस नाउ नॉट हिज. ये अब उनका काम नहीं है. ये पुलिस का काम है. ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गिगिल. फूल गवर्नर नॉट मोर नॉट लेस देन दैट. तो वो कह रहे हैं कि तुम जो हो तुम लोग बेवकूफ़ हो. एंड इस तरह तुम लोगों ने तो वो कह रहे हैं इट वॉज ऑल पुलिस जॉब. अभी पुलिस की जॉब है. बाय द वे कार्टर आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट. फिर वो कह रहे हैं बाय द वे कार्टर आई थिंक यू हैव गॉट मैक्लरी टू द हॉस्पिटल राइट. अब आपको मैक्लरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. Yes, he is in the Radcliffe now, and really groggy he was when we got the examination offices and they rang for the ambulance from there. अब वो क्या कह रहे हैं कि he would be in Radcliffe now. His condition was really critical when we reached the examination offices and from there the ambulance was called. और जब हम examination office पहुँचेंगे तो वहाँ जाकर हम ambulance को बुला लेंगे. Ambulance from there. So the governor rang the Radcliffe a few minutes later and asked for the accident department. उसके बाद जो governor है made a call to the Radcliffe after some minutes and inquired about the accident department. You are saying McClary right. Yes, he is a
प्रिजनर, ही इज अ पार्सन. अब वो कह रहे हैं, तो गवर्नर जो है वो रेडक्लिफ को कॉल करते हैं आफ्टर सम मिनट्स, इंक्वायर अबाउट द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट. एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से इंक्वायर करते हैं, यू आर सेइंग मैक्लेरी राइट. तो वो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं कि आप मैक्लेरी के बारे में कह रहे हैं. तो वो कहते हैं कि येस, मैक्लेरी के बारे में, ही इज अ पार्सन. सो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर इन आर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू ऑल.